बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज एक मैं ऐसे घराने पे आया हूँ जहाँ पे एक बाबा जी हैं, बूढ़े हैं, तो ये मजदूरी करते हैं और अपने घर का जो निज़ाम है, राशन वगैरह, वो भी बस मुख्तसर सा लेते हैं। पियत है उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और मिर्गी के दौरे हैं, बस बहुत ही ज़्यादा इनका खस्ता हाल हुआ है। मुकम्मल इनसे बाबा जी की तफसीर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बाबा जी? ठीक है, ठीक है आपकी। तो क्या मसला हुआ है आपकी बच्ची के साथ? सर ये मिर्गी के दौरे आते हैं, हम बहुत गरीब आदमी हैं, बहुत ज़्यादा खस्ता हाल में मजदूरी करते हैं, पेट पालें या इनकी दवाई का इलाज करें, तकरीबन 10 से 15 हज़ार तकरीबन महीने का खर्चा है दवाई का। बहुत अगर हो सके तो आपके तवज्जो से कुछ हो जाए। ठीक है, बहुत तो मैं मुकम्मल आपको ये मेडिसिन के जितना निज़ाम है, रिपोर्टें वगैरह वो भी ये देखें। ये डॉक्टर मुजम्मिल है, ये मुल्तान से ले आते हैं, तो इनका बहुत ही ज़्यादा एक माह का खर्चा हो रहा है। तो ये लोग क्या करें, अपने राशन का निज़ाम करें या मेडिसिन का निज़ाम करें? बच्चे भी बहुत हर आदमी को प्यारे होते हैं, किसी के भी बच्चे हों, वो किसी इंसान के हों या किसी जानवर, वो अपने माँ बाप जितना हो सके कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों की भी हिफाजत करें और उनके खाने पीने का भी निज़ाम करें। तो जितना हो सके इस बाबा जी की मदद करें, तो बहुत मेहरबानी होगी। तो जितने बहनें हमें देख रही हैं, जितने भाई हमें देख रहे हैं, जो जितना हो सके इनकी इस भाई की मदद करें और बाबा जी की भी मदद करें और छोटी बच्ची है उसकी भी मदद करें, और भी बहुत सारे निज़ाम होते हैं, तो जितना हो सके आप इनकी इमदाद करें। तो ये थी मेरी आज की मुकम्मल वीडियो, जो मुकम्मल वीडियो आपने मुकम्मल देखी है। जितना हो सके आप इनकी मदद करें। इजाज़त दीजिए मोहम्मद इजाज़ को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।